तो जी 5 स्टार लाने का तरीका बताया यहाँ पे स्क्वाडा ने। उन्होंने बोला 5 स्टार रख दो, फुल 5 स्टार आएगा। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे स्क्वाडा ने ये बताने की कोशिश की है कि उनकी गाड़ी जो है उसके 5 स्टार में फ्रेम का बहुत बड़ा हाथ है। फीचर वीचर चलो उन्होंने दिए जो दिए ही हैं, फ्रेम का भी बहुत बड़ा हाथ है। और उसमें जो है अलग अलग स्ट्रेंथ का स्टील आता है, ये लो स्ट्रेंथ का स्टील है, ये हाई स्ट्रेंथ का स्टील है, उसके बाद में ये ऑरेंज वाला एडवांस हाई स्ट्रेंथ है, और ये जो रेड वाला जहाँ जहाँ आप देख पा रहे हो ये हॉट स्टाम्प स्टील है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जिसकी है। अब एक चीज़ और, जो जिसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ जितनी है वो जल्दी टूटने में भी आसान नहीं होती उसको, तो ये वाला जो है इसके मुकाबले ये जल्दी टूटेगा। बट यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इसको बनाया जाता है, और मोस्टली गाड़ियों में जो है यही यूज़ किया जाता है, मतलब लो स्ट्रेंथ स्टील यूज़ किया जाता है, एलिनाइज स्टील। बट गाड़ी में कौन सा कहाँ लगाना है, यही इंजीनियरिंग है, उसी का कमाल है कि किसको कितना रेटिंग वगैरह जो है देखने को मिलती है। अब यहाँ अंदर की तरफ कौन सा लगेगा, या यहाँ फ्रेम में कौन सा लगेगा, या फिर जो है कहाँ पे कम स्टील लगा के भी काम चलाया जा सकता है, कहाँ पे हमें स्टील को वेल्ड करना पड़ेगा, लगाना नॉर्मल स्ट्रेंथ ही है, कहाँ पे देखो अंदर की तरफ एडवांस लगाया हुआ है, तो अलग 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 चीज़ें जो है वो यहाँ पे है।